वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन का लॉकडाउन किया है। लॉकडाउन होने से सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है गरीब वर्ग के लोगों को, जहां उनके सामने 2 जून की रोजी की रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। ऐसे में यहां पुरानी बस्ती थाने के पास एक अन्नपुड़िया रसोईया का संचालन राघवेंद्र मिश्रा जी के द्वारा हो रहा है। राघवेंद्र मिश्रा जी यहाँ पर प्रतिदिन गरीबों के लिए 12 से 5 पहले भोजन की व्यवस्था करते थे, लेकिन इधर बंदी के कारण सुबह 10 बजे से इनका भोजन तैयार होने लगता है और यहाँ पर लोगों के लिए लंच पैकेट बनवा रहे हैं। इनकी पहली प्राथमिकता ये होती है कि ये लोगों को, यहाँ जो लोग फंसे हुए हैं उन तक लंच पैकेट पहुँचाया जाए। इन्होंने एक फ़ोन नंबर भी जारी कर रखा है, उस फ़ोन नंबर पर जो भी सूचना मिलती है वहाँ 10, 5, 15, 20 इस तरह के लंच पैकेट ये पहुँचाते हैं। आइए राघवेंद्र मिश्रा जी से बात करते हैं कि वो कैसे ये सुविधा लोगों तक पहुँचाते हैं और उनको क्या क्या उपलब्ध कराते हैं, या उनके इस रसोई में कितने लोग उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। ये हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर राघवेंद्र मिश्रा जी। विजय जी, आप ये रसोई का संचालन किस तरीके से कर रहे हैं और इसमें कितने लोगों का सहयोग है? ये समाज के द्वारा करीब करीब समाज के अधिकतर लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। और ये देखिए, सब समाज के व्यापारी वर्ग के लोग हैं जो खुद अपने हाथ से पूड़ियाँ मल रहे हैं, पैकेट बना रहे हैं, पूड़ी छान रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। इन्हीं लोगों के सहयोग से अन्नपूर्णा रसोई चल रहा है। आप कैसे गरीबों को ये पैकेट पहुँचा रहे हैं? टेलीफोन पे सूचना आ रही है, आप जैसे लोग बता रहे हैं, आप प्रेस के मीडिया लोग बता रहे हैं कि भैया यहाँ पे 4 गरीब हैं, यहाँ पे बिहार के लोग फंसे हुए हैं। अभी हम पचपड़िया गए थे, 10 लोग वहाँ फंसे हुए थे, वो रामपुर के थे। उनके पास हम लोग मोटरसाइकिल से झोले में रख के लंच पैकेट वहाँ ले जाके पहुँचा रहे हैं, उन लोगों को दे रहे हैं। उन लोगों का लंच पैकेट में क्या क्या दे रहे हैं? लंच पैकेट में पूड़ी सब्जी अचार है, कल तहरी रहेगा, परसों फिर पूड़ी सब्जी रहेगा, इसी तरीके से सोच समझ के अपना बनवा के दे रहे हैं जी। ये हमारे साथ थे राघवेंद्र मिश्रा जी, जो अन्नपूर्णा रसोईया का पूरी तरह से अच्छे से संचालन कर रहे हैं। ऐसे संक्रमण के फैलाव में जहां लोग एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, वहां कुछ ऐसे समाज में लोग हैं जो बढ़ चढ़ के समाज में भागीदारी कर रहे हैं और हिस्सा ले रहे हैं। बस्ती से पंजाब के सीटीवी के लिए विवेक श्रीवास्तव।